कभी कभी जल्दीबाजी हमको उस मुसीबत में डाल देती है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भिलाई में कुछ ऐसा ही मामला मंगलवार की रात को देखने को मिला। जोरदार बारिश से चंद्रामौर्या और प्रियदर्शनी परिसर के अंडरब्रिज में पानी भर गया। पानी से लबालब होने के बाद भी रात करीब 9 बजे एक कार चालक ने अपने वाहन को पानी में उतार दिया। नतीजा कार फंस गई और डूबने लगी। यह देखकर दूसरी ओर खड़े एक महिंद्रा थार सवार युवक ने, जो कि पेशे से आर्किटेक्ट डिजाइनर है, उसने पानी में डूबती कार को बचाने के लिए अपनी कार को आगे बढ़ा दिया और अपनी महिंद्रा थार से उसकी कार को धक्का देकर डूबने से बचाया। कार में दंपति के साथ उनका मासूम बच्चा भी सवार था। एक्चुअली चंद्रामौर्या वाली पीछे साइड वाली जो रोड है हमारी, वहाँ से मैं जा रहा था। अचानक से अंडरब्रिज के पास, मैं एक्चुअली उस तरफ जाना चाहता था, तो मैं अंडरब्रिज के पास रुका। तब मैंने वहाँ पे एक गाड़ी डूबी हुई देखी। मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर लोग हैं, तो मैंने जब सडनली उनसे ऐसे लाइट मारी तो मुझे दिख गया कि वहाँ पे एक फैमिली है, एक जेंटलमैन थे और एक उनकी शायद वाइफ थी, ऐसा कुछ था। तो मुझे दिखे वो, तो मैंने जस्ट गाड़ी पानी के अंदर डाली। मेरी गाड़ी बड़ी है तो क्रॉस हो सकती थी, तो मैंने वहाँ पे डाला। मैंने देखा अचानक से वो फैमिली है, तो एम्बुलेंस उनको बहुत देर से निकालने की कोशिश कर रही थी, बट वो निकाल नहीं पाते क्योंकि वैन थी उनकी गाड़ी, अंदर जा नहीं सकती थी। तो मैंने अपनी गाड़ी से ये जगह से उनको ठोक के आगे से धक्का मार के गाड़ी बाहर निकाली। जैसे ही वो गाड़ी बाहर आई, फिर उनको पीछे चैन से बांध के हमने खींचा। तो उसमें वो लेडीज़ जो थी वो एकदम ठीक है अभी, उनके साथ शायद एक बच्चा भी था, वो भी ठीक है। और भैया वो रायपुर के थे तो वो वहीं पे वेट कर रहे, उनका शायद कोई आ रहा है लेने, गाड़ी आज ही वहीं खड़ी हुई है। ऐसी ही एक दूसरी घटना प्रियदर्शनी परिसर अंडरब्रिज की है। यहाँ भी कार चालक ने पानी से भरे अंडरब्रिज में अपने वाहन को आगे बढ़ा दिया। यह कार भी डूब गई। रात करीब 10 बजे तक लोग यह जानने की कोशिश करते रहे कि कार सवार आखिर गए कहाँ। बाद में पुलिस ने साफ किया कि कार में कोई नहीं है, लेकिन कार में कौन सवार था और वे कहाँ गए यह पता नहीं चल सका। ये सर, हम लोग 10 मिनट पहले आए थे, तब से वो गाड़ी है। हम लोग देख रहे थे कि कोई गाड़ी में है तो नहीं, बट आवाज़ मारने पे, कुछ करने पे कोई रिएक्शन नहीं आया। तो फिर सर आए, सर भी बोले कि एक बार देख लो, फिर काफ़ी देर से खड़े हैं, बट गाड़ी में अभी तक के तो कोई नहीं है सर यहाँ। और गाड़ी और नीचे जा ही रही है, काफ़ी ऊपर थी गाड़ी, अभी तो काफ़ी नीचे आ गई है। पानी जिस हिसाब से उस हिसाब से स्टॉपर लगाने की सूचना मिली है यहाँ पे, कि गाड़ी वाड़ी चली जाएगी, देख लो एक बार जाके चेक कर लेना, स्टॉपर लगा कि नहीं लगा। अभी आके चेक करें तो गाड़ी, हमने गाड़ी दिखी है के अंदर फंसी हुई है। गाड़ी में कोई है नहीं, ना गाड़ी का मालिक है ना कोई है, तो अब इसको निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, जैसे इसको ऊपर लगाएंगे यहाँ पे। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 13 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में नगर निगम को कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा जिससे अंडरब्रिज में पानी ना भरे, साथ ही लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी।